नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास भवन। बिंदास में जो गीत आपने सुना, आपको याद होगा कि ये गीत भारत चीन युद्ध के दरमियान शहीद हुए जवानों की याद में हमारी सुर सरोद की लता मंगेशकर ने गाया था। इस गीत को सुनकर देश के तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रोए भी थे। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोने का कारण उनके नीति का अपयश और वो अदूरदृष्टिता थी जो कि उनको तब याद आ रही थी देश के पराजय और हजारों सैनिकों के मृत्यु के कारण। आज 50 साल हो गए हैं इस युद्ध में। 50 साल बाद सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये युद्ध होने के 50 साल बाद भी हमने क्या सीख ली है। क्या दोबारा चाइना के साथ ऐसी युद्ध की स्थिति में हम तैयार हैं? क्या इस बार हम पिछले पराजय को विजय में तब्दील कर सकते हैं? तब के लिए कौन जिम्मेवार था, क्या घटनाएं घटी थी, ये दोबारा आज तो वैसा नहीं होने जा रहा है। ऐसी सारी चीजों पर हम पिछले 50 साल और आने वाले कई सालों तक के लिए आज चिंतन करेंगे। और इसलिए बिंदास में आपको पूछ रहे सवाल कि क्या भारत चीन युद्ध से हमने कोई सीख ली है, आपको अपने हमेशा की तरह कॉल करके अपनी बात को रखना है। और आज के इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहेंगे भारत तिब्बत मंच के महासचिव महेश चड्डा जी। महेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। साथ में हमारे साथ राधाकांत हमारे कवि जुड़े रहेंगे जो कि अपने कविताओं के शब्दों के साथ इस मुद्दे की अभिव्यक्ति देंगे। साथ में आप भी हमारे साथ करोड़ों की संख्या में सैटेलाइट पर और भारत के सारे प्रमुख डीटीएच पर और www.sudarshantv.com इस इंटरनेट पर भी जुड़े हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आप सबकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। भारत चीन युद्ध के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इतने सालों में देश ने तरक्की की, हजारों गाथाएं अपने नाम की, मगर एक सवाल उस हर हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में कूद रहा है कि क्या आज भी हम चीन से मुकाबला कर सकते हैं? क्या हमारी सेना और सरकार आज भी कुछ सीख ले पाई है? हिंदी चीनी भाई भाई के नारा उस वक्त गुम हो गया जब चीन ने हिंदुस्तान की पीठ में खंजर घोप कर अपने क्रूरता का परिचय दिया, जिनसे हम मिठास घोलने की उम्मीद पर आगे बढ़ रहे थे। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारतीय सीमा पर विभिन्न मोर्चों से जिस तरह आक्रमण किया, वे भारत के लिए सर्वथा अप्रत्याशित था। भारत ना तो इस युद्ध के लिए तैयार था और ना ही उसे इस हमले की आशंका थी। फिर भी भारतीय सेना का एक सकारात्मक पक्ष था जो 32 दिनों तक चले इस युद्ध में चीन को कड़ा जवाब देते रहे। इस युद्ध में 21 नवंबर को चीन ने भारत को पराजित कर दिया। इसके बाद उजागर हुआ चीन का छिपा हुआ काला चेहरा। लेकिन हमारा देश आज भी चाइना के बढ़ते सैन्य शक्तियों से बिल्कुल बेफिक्र है। ये वही चीन है जिसने शक्ति संपन्न रूस की जमीन हड़पने में नहीं हिचका। तो क्या चीन हमसे कभी उदारता पूर्वक व्यवहार कर सकता है? उसकी नजर आज हर वक्त अरुणाचल प्रदेश और तवांग की ओर घूमती रहती है। चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति का ही परिणाम था कि उसने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपने हिस्से में मिला लिया था। मोतियों की माला की चुनौती चीन की रणनीति रही है कि वह भारत को चारों ओर से घेर कर उस पर दबाव बनाए। इसी का नतीजा है कि वह भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध निरंतर बढ़ाता जा रहा है। इस क्रम में वह भारत के चारों ओर एक घेरा बना चुका है जिसे सामरिक विशेषज्ञों ने मोतियों की माला नाम दिया है। आज भारत के सामने
सबसे महत्वपूर्ण चुनौती ये है कि वे अपनी सामरिक हितों की रक्षा कैसे करें। कहीं हमारे सामने 62 के युद्ध जैसी एक और चुनौती तो नहीं है? क्या हम कोई सबक अब तक ले पाए हैं? वर्तमान में चीन की नीति आर्थिक हितों की प्रमुखता देने की है और वह इसी के लिए भारत को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहा है। दक्षिण एशिया में चीन हमेशा से शक्ति संपन्न रहना चाहता है। चीन के साथ एशियाई देशों में खासतौर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका के संबंधों ने नए समीकरणों को जन्म दिया है। भारत के साथ चीनी समीकरण को लेकर इस क्षेत्र में चीन की भूमिका हमारा ध्यान आकर्षित करती है। पिछले वर्ष तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने चीन की ओर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की बात भी स्वीकार की थी। उन्होंने ये माना कि वर्तमान में करीब 4000 चीनी सैनिक पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद हैं। इस स्वीकृति ने भारत की चिंता बढ़ा दी। चीन इस क्षेत्र में व्यापक निर्माण कार्य करा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने को लेकर भी इनके बीच विवाद चर्चा में है। मेरे वतन के लोग, जरा आंख में भर लो पानी, ये शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। चीन पहले से ज्यादा ताकतवर है और शायद भारत पहले से ज्यादा इरादों से, नीति से और निर्णय से कमजोर। नेहरू तो बहुत विदेश नीति में कमजोर थे और उनकी वो कमजोरी ही भारत के पराजय का कारण बनी थी। लेकिन क्या मनमोहन उनसे ज्यादा सक्षम है? कतई नहीं। क्या आज हम चीन के साथ युद्ध के लिए तैयार हैं? इसका भी जवाब नहीं है। क्या देश की जनता चीन के खतरे को समझती है? इसका भी जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करके टीवी चैनल को कहा है और मिलिट्री के प्रेस नोट निकालने वाले, मीडिया ब्रीफिंग करने वाले डिपार्टमेंट पीआरओ को कहा है कि चाइना के द्वारा भारत के साथ होने वाले छुटपुट छोटे मोटी घटनाओं को मीडिया में ना बताए। इस कारण चाइना का मनोबल और बढ़ा है और शायद हमारा मनोबल घटने का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? आइए इस पूरे एक घंटे के कार्यक्रम में हम आपके साथ, हमारे अतिथियों के साथ और सारी जानकारी के साथ बात करेंगे। क्या 50 साल बाद भी हमने कोई सीख ली है? हमारे साथ महेश चड्डा जी है। महेश जी, इस पहले सवाल का पहला जवाब। मेरा तो ये मानना है कि 1962 के अंदर भी जो युद्ध हुआ था उसके अंदर भी सेना की ओर से उनके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी और उनका धैर्य भी कहीं भी किसी दृश्य कम नहीं था। मगर दुर्भाग्य यह रहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय भी सोए रह गए। चाइना को की ओर से जो बढ़ता हुआ खतरा था वो उनको नजर आकर भी उनके ऊपर उन्होंने चिंता व्यक्त नहीं की। मैं ये बताना चाहता हूं कि उस समय 1960 के अंदर उस समय के जो जनरल थे थोरोट जी, उन्होंने एक पत्रक द्वारा श्रीमान पंडित नेहरू जी को, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनको अवगत कराया कि चाइना की ओर से बंकर बनाए जा रहे हैं, सैनिक गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है और लगता है कि आने वाले एक दो वर्ष के अंदर चीन की ओर से हिंदुस्तान के ऊपर जू थोपा जाएगा। कृपलानी जी ने भी यही कहा था कि जो पंडित नेहरू की नीति है भारत के लिए कभी बहुत महंगी पड़ेगी। क्या दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि जो तिब्बत से लगा हुआ चीन का एरिया है, क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ब्रिज बनाने के लिए उनकी सेना वहां तक पहुंचे। इसलिए जब चीन ने प्लान किया तो देखा कि हजारों किलोमीटर के उस दुर्गम क्षेत्र में वो सड़क निर्माण के लिए सीमेंट या खाद्य, डीजल या मजदूरों के लिए खाने पानी रहने की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो तब उन्होंने भारत सरकार के प्रतिनिधियों को और खास करके तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम सड़क निर्माण का कार्य करना चाहते हैं, हम आपसे चावल, दाल, खाने पीने की अन्य चीजें और साथ में डीजल चाहते हैं, क्या आप देंगे? अदूरदृष्टता के